नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो लैडल होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो लैडल है वो कितने टन का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों, लैडल जब भी परचेस किया जाता है फर्नेस के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और हमारी जो फर्नेस होती है वो चाहे 10 टन की हो या 50 टन की हो, लैडल हमेशा 2 टन प्लस ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप लैडल की लंबाई गुणे चौड़ाई मेजर करके उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, पाई इंटू डी इंटू एच, उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना है, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, उसको आपको डिवाइड कर देना है 12000 से। तो दोस्तों, आपके लैडल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। दोस्तों, हमारे पाई की वैल्यू हो गई 3.14, डी से हमारा डेंसिटी हो गया, एच हमारा हाइट हो गया, ए को हमने टॉप डाया से विनोट किया है और बी को हमने बॉटम डाया से, और दोस्तों हमारे फॉर्मूला का जो मान है वो है 12000। तो हमने यहाँ एक कॉमन साइज लिया है, एच यानी कि हाइट ली है 1800, टॉप डाया हमारा जो है वो 1500 है, और बॉटम डाया जो है हमारा 1200 है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैलकुलेट की मदद से कैलकुलेट करके देखते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोस्तों इन सभी मान को आप इंच में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको mm को इंच में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो इंची टेप से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। आप वहाँ पे जाकर mm को इंचिस में या इंचिस को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम कैलकुलेटर में आ चुके हैं, आप देखिए, सबसे पहले हमें लेना है 3.14 जो हमारी पाई की वैल्यू है, उसके बाद इनटू करना है, डेंसिटी लेना है, हमारी जो डेंसिटी है वो 6900 है, उसके बाद हाइट लेना है आपको, जो हमने हाइट ली है वो है 1800, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद आपको लेना है टॉप डाया यानी कि 1500, फिर इंटू 1500, फिर प्लस 1500 यानी कि टॉप डाया, फिर उसके बाद इंटू करना है, आपको लेना है बॉटम जो कि हमारा 1200 है, फिर उसके बाद आपको प्लस करना है, फिर आपको लेना है 1200, फिर इंटू 1200, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको डिवाइड कर देना है 12000 से। तो दोस्तों, आपके पास ये जो आंसर निकल के आ रहा है 17.841 यानी कि 17 टन का आसपास हमारा लैडल है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।